इसराइल की ओर से लेबनान पर गोलाबारी हुई जिसमें कम से कम 3 हिजबुल्ला आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। वहीं इसराइल की तरफ से यह भी बताया गया है कि फिलिस्तीनियों द्वारा दावा किए गए पहले सीमा पार हमले के दौरान उसका एक अधिकारी भी मारा गया। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच हो रहे इस युद्ध का असर उत्तर में इसराइल लेबनानी सीमा तक संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। हिजबुल्ला ने अपने बयान में कहा कि सोमवार को दक्षिणी लेबनान पर इसराइल के हमले में उसके 3 सदस्य मारे गए। ईरान समर्थित हिजबुल्ला और इसराइल ने साल 2006 में 1 महीने तक भीषण युद्ध भी लड़ा था। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि हिजबुल्ला के 2 और सदस्य मारे गए हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह द्वारा दावा किया गया कि सीमा पार हमले के बाद इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर गोलीबारी की। इसराइली सेना ने कहा कि सैनिकों ने सीमा पार करने वाले बंदूकधारियों को मार डाला। सेना ने बाद में कहा कि मुठभेड़ के दौरान एक डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल भी मारे गए। भारी गोलाबारी के बीच इसराइल के साथ लगे दक्षिणी लेबनान की सीमा पर रह रहे कुछ लेबनानी नागरिक अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र से भाग रहे लोगों के कारण मुख्य सड़कों पर भारी यातायात है और क्षेत्र के स्कूल भी मंगलवार को बंद कर दिए गए हैं।